देखिए बाई तरफ बीस बार साल है फ्रेंड्स, हमारी सोमनाथ यात्रा चल रही है। अभी तक हमने आपको बाबा सोमनाथ के दर्शन कराए और सोमनाथ बीच को भी देखा हमने और पक्षियों के बीच में पहले पीछे चले इतना सुंदर नज़ारा त्रिवेणी संगम पर आपने देखा और अब हम श्री राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं ये भगवान सूर्यदेव की है जो बहुत प्राचीन बताई जाती है। यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, इस पे पूरा विवरण है इस मूर्ति का। प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र में 12 सूर्य मंदिर थे जिनमें से सिर्फ 4 ही सूर्य मंदिर। यह मंदिर गुलाबी पत्थर से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं और ऊपर मंदिर स्थित है, नीचे की तरफ बाई तरफ और दाई तरफ गार्डन बना हुआ है जो कि अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। मंदिर में हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आए और घंटियों का मधुर संगीत कानों में रस घोल रहा है। और ये देखिए ऊपर आने के बाद नीचे गेट का कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। मैडम ने फर्स्ट नंबर मार दिया, फर्स्ट आ गई। पीछे देखो सर, देखो कितनी सुंदर ये मंदिर है। पीछे से भी करा गुलाबी पत्थर से बनाया गया है ये मंदिर। सब थक गई हैं बेचारी। ये देखिए त्रिवेणी संगम की ओर से ये नदी आ रही है पीछे। कितना सुंदर दृश्य बन रहा है।
राजस्थान से आए हैं। मंदिर में सामने की तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति स्थापित है और बाहर सीढ़ियों से ऊपर आते हैं बड़ा सा प्रांगण है जो कि खंभों के ऊपर टिका हुआ है और इन पिलर्स पे जो बहुत खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है और ऊपर की तरफ मूर्तियां स्थापित है जो कि शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। मंदिर का फर्श पत्थर का है और उसमें बहुत खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है। मंदिर में सामने की और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है और बाईं तरफ बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है और दाहिनी तरफ गणपति की विराजमान है। किधर चले? ये फर्श देखिए कितना बढ़िया बनाया है। मंदिर के बाहर चारों तरफ बरांडा बना हुआ है जिसकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है और यहाँ पर दीवारों पर शेल्फ के अंदर भक्तों द्वारा लाई हुई गणपति की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर में पीछे की तरफ समुद्र का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है
और इसके बीच में हरा भरा जंगल की तरह पेड़ उगे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दृश्य बना रहे हैं। मंदिर में नीचे उतरने पर सीढ़ियों के दाईं तरफ से श्री परशुराम की तपोभूमि की ओर रास्ता जाता है। इस प्रकार हमने सोमनाथ में भगवान श्री राम के बहुत सुंदर दर्शन किए, और सायंकाल जब ये लाइट यहाँ पर जल गई है तो बहुत सुंदर दृश्य, और उसमें मंदिर बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हम इसी तरह से नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल रोमिक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। रोमिंग कपल ब्लॉग्स।